हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में डिवीजन कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि मान लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या होगा, मतलब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होता है डिवाइजर और ये है हमारा डिविडेंड, ठीक है। डिग्री बताइए किसमें कितनी है, जैसे कि मान लीजिए इसमें कितनी डिग्री है, 1। इसमें कितनी है, हाईएस्ट पावर वो डिग्री होती है, तो इसमें कितनी है, 2, ठीक। अब हमको इसकी जो जो पोजीशन है उस जगह लिख लेना है, 3x² प्लस 4x प्लस 1, इसको करते हैं, ठीक। मुझे बताइए ऐसा क्या करें कि इस इक्वेशन में ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि हम कुछ ये सिमिलर ले आएं और हम सॉल्व करने में आसानी हो जाए। उससे पहले एक चीज समझिए आप, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 3x तो ये क्या हो जाएगा, क्या करेंगे आप, एक्स की मल्टीप्लाई जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना आपको, तो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 3x से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अपने डिवाइजर में 3x से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हम कुछ कर पाएंगे क्या, देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने की मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 3x² हो जाएगा, और 3x इसमें की तो कितना हो जाएगा, 6x हो गया, साइन चेंज, माइनस माइनस क्या हुआ, ये सेम हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होता है, दिस इज कैंसिल, कितना बचा यहां पर, माइनस का 2x और प्लस 1 ऊपर से आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा हो गया क्या, सॉल्व हो गया। अब हम क्या करें, अगर हम मान लीजिए इसमें अगर हम 2 से, अगर हम इसमें 2 से यानी माइनस 2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, किसमें, डिवाइजर में, तो क्या होगा, जब हम इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब किसका हो जाएगा, सिर्फ माइनस प्लस का खेल है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, साइन चेंज, प्लस प्लस, ओके कैंसिल हो गया, ओके कितना बचा, 5। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया क्या, रिमाइंडर, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ठीक। तो ये एक इक्वेशन था आपको समझाने के लिए। अब एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन और है हमारे पास, पहले इसको हटा देते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन और है और हमें उसका रिमाइंडर निकालना है, और क्या आएगा वो देखते हैं। जैसे कि x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, और y प्लस 1, मतलब हमको इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ठीक, x प्लस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका रहता है, ओके। तो करते हैं अपना काम शुरू, जैसे कि
x प्लस वन, ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा डिवाइजर और ये है हमारा डिविडेंड, प्लस 4x प्लस 3। ओके, सिंपल सी बात है, ये हमारा डिवाइजर हो गया और ये हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक, तो अब क्या करें, करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर कितनी है, सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, मतलब डिग्री कौन, इसमें इस वाले क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 4, इसमें 1 पिछले वाले की तरह। तो हम क्या करें, तो अगर हम इसमें x यहाँ पर है और x पावर 4 यहाँ पर है, तो अगर हम यहाँ पर x क्यूब से मल्टीप्लाई करें इस वाले इक्वेशन को, किसमें किसमें डिवाइजर में अगर हम करें तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x क्यूब, ये आ जाएगा, यही आएगा ना, साइन चेंज करते हैं, जब साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, अब इसमें से क्या बचेगा हमारे पास में, तो इसमें से हमारे पास बचेगा 2, दूसरा ही लेती हूँ, तो हमारे पास बच जाता है 2x³ प्लस 4x प्लस 3, ये बचेगा हमारे पास में। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या लेना है, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर है 2x³, तो इसको देखकर थोड़ा आइडिया लगाइए कि अगर हम इसमें 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कुछ हो सकता है क्या, देख लेते हैं भाई। 2x² से मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x³। ठीक, अब बाकी कोई टर्म ऐसी x² वाली टर्म है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को ना अलग लिख लेंगे, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं इस टर्म को, जैसे कि क्योंकि वन में जाएगी तो 2x², क्योंकि इसमें कोई टर्म है नहीं x² वाली, इसलिए साइन चेंज कैंसिल। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है माइनस का 2x² प्लस 4x प्लस 3, यही बचा हमारे पास। ओके, यही बचा। अब हम क्या करें, अगर हम इसमें माइनस 2x से, अगर इसमें माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दें डिवाइजर में तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा माइनस 2x² प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस से हमने किया है ना, तो माइनस 2x और प्लस 3, मतलब 3 का तो कोई टर्म ही नहीं है, एस के अलावा तो कोई टर्म ही नहीं है, तो फिर इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं साइन चेंज, कैंसिल आउट प्लस माइनस, ठीक, क्या बचा 6x प्लस 3, यहाँ हमारा बचा है 6x प्लस 3। अब हम नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर प्लस 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अपने किसको, डिवाइजर को, तो क्या होगा देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 6, यही तो हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा क्या, माइनस का 3 बचा, और यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक। तो ये है डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स का डिवीजन जो अगर हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेचारे को, ये मिट गया था, हो गया, ठीक। तो ऐसे इसका हमको डिवीजन करना है, और एक सवाल और है कि हर बार हमको इतना लंबा डिवीजन करना पड़ेगा, यस और नो, तो नहीं, वो क्यों, अगर हमारा ये वाला जो टर्म है, ठीक है, अगर आपका डिवाइजर एक लीनियर पॉलीनोमियल है, अगर आपका डिवाइजर एक लीनियर पॉलीनोमियल है, तो हम एक स्मार्ट तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और वो स्मार्ट तरीका क्या है, वो है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको, तो इतना लंबा ना करके हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा, ठीक।
तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम, तब तक के लिए गुड बाय।